गाइस मैं उजाइद, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हो आलतू। सो गाइस आप सभी का स्वागत है एक्साइटिंग व्लॉग में। गाइस मैं क्या हो गया था ना, मैं ये बोलने आ रहा था, हमें फोकस करके बोलने आ रहा था क्योंकि भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही है ना। गाइस जरा वहां पे देखो, ये देखो जीशान भाई को। जीशान भाई यहाँ पे भाई नहीं है ना, तो इसलिए मुंह पे रख के रो रहा है बेचारा। बोलता याद बहुत आ रही है, अलग हो गया, जुदा हो गया, बहुत ज्यादा याद आ रही है। अभी बहुत लंबा चला गया अप्रेज भाई। वक्त वक्त बस यही सोचता हूँ कि कब कॉल आएगा। बार बार फोन उठा के मैं यही देखता रहता हूँ कि कब मिस कॉल कॉल आ गया है ना जीशान भाई। बहुत टाइम बाद जुदाई लिए ना, शायद बहुत ज्यादा रो रहा है इस वजह से वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। और बाकी सबसे भी पूछते हैं कैसा लग रहा है। अभी अभी मम्मी को तो बहुत ज्यादा उदास देख रहा था मैं, तो मम्मी से मैं पूछने वाला हूँ कि मम्मी क्यों उदास है। देखो जहाँ तक लगता है मम्मी इसीलिए उदास रहेंगे कि भाई नहीं है घर में, भाई और भाभी नहीं है इस वजह से। बहुत सुना। हाँ भाई देखो कैसा लग रहा है, तू ये बता। गाना गा के बता। सोना बहुत बेकार लग रहा है। मस्ती वस्ती करते थे हम लोग, ग्रुप बना के बैठ के बहुत मस्ती करते थे और हमारा काम चलते रहता था। कौन सा काम? क्या बोला? हाँ वही जाइ का कौन सा काम रहता था पता नहीं मेरे को भी। गाइस अपुन सा भी बैठते थे, मेरे को नहीं पता। लेकिन गाइस मेरे को नहीं पता, रुई ना कॉल करके पूछने से कौन सा काम पूछ रहे। चलो अभी बाकी सबसे पूछ लेते ना। मेरा, अच्छा, तू बता। ठीक है भाई, मेरे को ही नहीं पूछ रहे। तेरे को कैसा लग रहा है? गाइस मैं भाई को ही ना बार बार कॉल कर देता हूँ। कल भी भाई को मतलब कितने कॉल कर लिया लेकिन भाई ने कॉल नहीं उठाया था। फिर बाद में भाई घर पे आके मेरे को कॉल करके बोलता तो इतने कॉल किया लेकिन मेरे पास तो नेट है ही नहीं, मैं नेट का रिचार्ज नहीं करवाया, मैंने खाली कॉलिंग का रिचार्ज करवाया, तो इस वजह से वो मेरे को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो अभी देखते हैं भाई को भी कॉल लगाएंगे, भाई से भी पूछेंगे कि कैसा लग रहा है वहाँ पे, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है। हाँ और कैसा भाभी, भाभी भी गए थे तो फिर कैसा लगा उनको प्लेन में, वो सब भी पूछेंगे। देखते चल अभी तो अभी अंदर शायद सो रही है तो उसे थोड़े टाइम बाद पूछते। जीशान भाई आ गए तो जीशान भाई लोग इतने उदास क्यों हो गाइस? गाइस मैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपरेश मान गया क्योंकि फाइनली उसने अपने लिए कुछ टाइम निकाला है। क्योंकि इतने साल से सिर्फ वो मतलब घर का देख रहा था, फिर मम्मी का देख रहा था, फिर बहनों का देखे, सब देखे, सबका टाइम निकालने के बाद फाइनली उसका टाइम आया, कहीं घूमने गया है वो। ये तो रियलाइज ही नहीं किया था मैंने। ये सोचो कि इतने टाइम बाद उसने अपने लिए कुछ सोचा है और कहीं गया है इतनी दूर घूमने के लिए, तो थोड़ा उसको ऐसा फील कि उसको लगा हाँ चल अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा खुशी भी तो होना चाहिए ना लाइफ में। वो गया है तो खुश रहो और क्या, बुरा तो लग रहा है इतने टाइम बाद या, लेकिन उसमें खुश भी होने की जरूरत। खुश रहो गाइस, खुशी के आंसू है वो, खुश रहेंगे वही। क्योंकि उतना वो सोचो कि उसने क्या नहीं किया सब कुछ, तो अपना टाइम आया है तो अपना टाइम आया है उसका, तो थोड़ा एंजॉय करने दो उसको। देख रहे हो गाइस कैसे रो रहा है, कैसा रो रहा है गाइस? इतना कि बता रहा हूं हां ये ठीक है, तू तेरे चेहरे से लगा रो रहा है। ये अपने को बता रहे हैं और बाद में पीछे जाके खुद रोता है। अकेला हो गया हूँ मैं, अब क्या करूंगा। लेकिन जीशान भाई ने जो बात बोला एकदम सही बोला कि वो अपने लिए टाइम निकाल के गया, मतलब टाइम निकाला उसने। चलो जो भी गया है मतलब अल्लाह की बदौलत बहुत सारी चीजें की, अल्लाह का शुक्र है ये सब चीज के लिए। गाइस भाई जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत जीशान भाई जैसा भी। हमारे जितने भी भाई है ना सब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, ऐसे भाई सबको नसीब हो। अभी नेक्स्ट गाइस हम लोग आ गए पुप्पी के पास भी, तो पुप्पी से भी पूछा जाए वही सवाल। मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप क्यों इतना टेंस थे? भाई भाभी नहीं है तो फिर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा, दिल खाली खाली, दिल खाली खाली, घर खाली खाली, मम्मी को हर चीज़ खाली खाली लग रही है। मुझ तो मम्मा नन्ना को आने दे। फिर बाद में क्या कर रहे हैं आप लोग दिन भर? मम्मी क्या कर रहे हैं आप लोग दिन भर? पुप्पी तो दिन भर बस दिन भर चलती रहती और याद करते रहते भाई को। भाई हाँ। अभी भाई ने फोन मेरा, लगा के दिया मेरा था। मेरा लाडला क्या कर रहा है? क्या बोलते हैं मम्मी? मैं भूल गया। मेरा लल्ला 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 लल्ला, लल्ला मेरा लल्ला मम्मी लल्ला का। मम्मी रो लेंगे, छोड़ो गाइस मैं नहीं बोलूंगा। मुझ तो मामू और मामी नहीं है तो कैसा लग रहा है आपको? लाडो बोल दो मुझ तो, लाडो लाडो भाभी को लाडो बोलते ना गाइस। बबो काहे बबो? आप भाभी का हाथ का खाना मिस कर रही है ना? वही तो, अभी भाभी नहीं है तो लेट लेट खाना बन रहा है। हाँ वो भी है क्योंकि हमारे घर में एक कामचोर काम कर रहा है आजकल। चलो उससे भी पूछते।
तो मुस्तु तू तो बता कि मामू लाडू नहीं है तो कैसा लग रहा है? नहीं बताएगा मामू किधर है? इसे यही बुलवाएंगे आज से। मुस्तु कुछ भी बोलना रहेगा ना मम्मा को ये डब्बा चब्बा ठीक है? क्या बोलेगा? बोलो अब्बा डब्बा चब्बा डब्बा। वो अपने ही लैंग्वेज में अलग बोलेगा वो थोड़ा। अच्छा उल्लू का पट्टा बोल दो मामू को। आई लव टू यू। अच्छा उल्लू का पट्टा बोलो। अच्छा पप्पी दे दे मामू मेरे को पप्पी दे। उसके लिए टास्क बन जाता है पप्पी लेना अगर दूर हो तो। चल चल चलो जाएंगे। अच्छा मम्मी मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप आए हो तो घर पे तो बताओ आपके घर पे आने के बाद ऐसा क्या लग रहा है, क्या चीज लग रही है आप लोग, क्या मिस कर रहे हो भाई के बारे में? अपरेश रहता है तो घर में खुशियाँ रहती है, हंसता रहता है, मम्मी ये है मम्मी वो है ऐसा करता रहता है। अच्छा। अभी मम्मी है ही नहीं तो ना तो घर ऐसा लगता है वीराना है, याद आती इसकी। हाँ मम्मी भी बोल रहे थे बहुत हाँ। खाली खाली सा लग रहा है, भाई और भाभी दोनों भी नहीं है तो इसलिए उसकी याद आती है, वो अच्छा लगता है लेकिन हंसाता है ये हाँ। चाहिए मम्मी अपरेश ये करना मैं कुछ बात बोलूँ वो सुनेगा तो लेकिन भाई जिशान भाई ने क्या चीज रियलाइज करवाया पता है? इतनी सारी टेंशन इतनी सारी वो चीज छोड़ के अभी भाई अपने अपने लिए टाइम निकालने गए तो वो उसकी खुशी वो चीज से हम लोग खुश होना चाहिए। हम लोग तो खुश है बस ये जैसे ये सब सन्नाटा है हाँ। वो मगर वो अब सबके लिए करता था, हम लोग के लिए भी करा सबके लिए करा मगर अब वो अपनी खुशी के लिए गया है तो अल्लाह और उसको खुशियाँ दे परवरदिगार आलम और हर जगह उसको खुशियाँ कदम कदम पर उसको खुशियों का अल्लाह तौफीक फरमा हर चीज क्योंकि मैं यही चाहती हूँ बच्चे ना खुश रहे और उनकी खुशियाँ दामन में भरे रहे हाँ। उसने तो अल्लाह का शुक्र है गया है और खुश रहे, हम लोग की याद आती है उसको मगर वो बताएगा नहीं, उसकी एक आदत ही है मुझे मालूम है वो बताता हाँ, नहीं बोलता हाँ। और गाइस यहाँ पे देखो जाहिद कैसा पबजी खेल रहा है, बैठे बैठे बाजू में ही बैठा है लेकिन पबजी खेल रहा है भाई खेलेंगे साथ में। तो गाइस अभी हम लोग ने ट्राई किए थे भाई को भी कॉल करने का लेकिन भाई कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी था तो अगला दिन हो गया। बच्चे तो गोरी दिख रही है हाँ। तो अभी जल्दी बताओ तुम्हारे भाई और मतलब भाई और भाभी के नहीं होने मतलब घर कैसा लग रहा है उन दोनों के नहीं होने? खाली खाली एज यूजुअल। फिर जब घर का कोई भी एक भी मेंबर घर में नहीं होता है तो घर खाली ही लगता है। तुम इतने टेंस्ड क्यों हो गए? ये रो रहे भाई जाने के इसमें काशिफ को रोना आ रहा है वो एक्टिंग वाला। नहीं रोना नहीं आ रहा पागल वो जो लाइन अपने को भाई लोग भाई ने बताया था वो इन लोग को तो बता जा अभी पहले होने तो दे लोगों पूछने बोलने तो दे। देखो ऐसा है कि मतलब मिस तो बहुत कर रहे क्योंकि अभिषेक भाई और हम लोग जैसे तुम भी साथ में रहते अपन तीनों बैठ के बातचीत करते थे तो मिस तो बहुत कर रहे जैसे कि ऐसा नहीं कि मिस नहीं कर रहे तो चीज़ के लिए मतलब समझ में आता है कि जब एक फैमिली होती है उसमें एक जन भी मिसिंग रहता है तो मतलब उसकी कमी तो खलती है बट यहाँ कमी करने का मतलब ये नहीं है क्योंकि वो गया एंजॉयमेंट के लिए वो ऐसा प्रॉब्लम की वजह से नहीं गया क्या अरे वो एक अपने वेकेशन पे गया कल को अक्षत भी जाएगी अपन भी मनाली शिमला गए थे तो सबकी लाइफ में एक मोमेंट रहता है जो एंजॉय करना रहता है वो भी मिस कर रहे रहेंगे तुम लोग सबको हम भी कर रहे सिंपल वही भाई सोच रहेगा नहीं वैसे तो नहीं सोचेगा नहीं नहीं क्या सोच रहे हैं के लोग भी रहते फिर ये दिमाग में आ रहे अच्छा। वो अलग बात भाई को हाँ। नो मैटर तुम कितनी बड़ी 5-star होटल में घर पे आके अपने बेड पे अपने सोफे पे लेटने का मजा ही कुछ अलग वो 7-8 बाद जब आएगे ना तो यहाँ आने के बाद जब यहाँ सोफे पे लेटेंगे तो वॉज लाइक हाँ मैं मेरे घर आ गया। थप्पी बोल रही थी कि मतलब ऐसा होता कि कोई और भी मेरे साथ आता और भाई ऐसा कभी सोचेगा नहीं भाई ये सोच रहा था कि कोई एक जन उसके साथ में जाए कैमरा पर
बड़ा मैन सिर्फ फोटो की वजह से तो, नहीं इसलिए तो मैं चुप हो गई। लोग अपने हनीमून पे गए हैं, लोग अभी हनीमून पे, लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। और जिशान भाई ने ये समझाया हम लोगों को कि वो गया है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि उसको ना इतना टाइम नहीं मिला कभी जाने का, और अचानक उसको मतलब अभी। तो गाइस यहाँ पे मुस्तजाब भी आ गया है, और मैं जो कंटिन्यू करता हूँ कि जिशान भाई ने ये समझाया कि वो अपना टाइम निकाल के पूरे टेंशनों से दूर, इतने टाइम तक टेंशन में था, और वो अभी जाके अपने लिए खुद के लिए इतने टाइम बाद उसने पहली बार अपने खुद के लिए टाइम निकाला है। तो वो गया उधर मस्ती कर रहा है, मजे कर रहा है। तो भाई आप बोलना ये भी है ना कि सारी जिम्मेदारी तो निभा दी है ना, अब कुछ के लिए कुछ पल तो जी सर भाई भाई। चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। छोड़ दे, हो जा तू भी फालतू। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।